हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 के फिजिक्स की, और वो भी चैप्टर नंबर 4 का। उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायो सेवर्ट लॉ। आज हम लोग चर्चा करेंगे बायो सेवर्ट लॉ क्या है, बायो सेवर्ट के नियम को है। कि लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले गाइस जो चैनल पर नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ आज की वीडियो को जबरदस्त शेयर करेंगे। उन हर एक फ्रेंड के पास ये वीडियो आज शेयर करना पड़ेगा आप लोगों को, जिन बच्चों को लगता है, जिन प्यारे से स्टूडेंट लोगों को लगता है कि फिजिक्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट होता है, एक बार भाई उनके पास ये मेरा वीडियो पहुंचा के देखिएगा, फिर उसके बाद उनसे पूछे फिजिक्स कितनी हार्ड है और कितनी आसान होती है। फिर तो लास्ट बातें गाइस, उसके बाद हम लोग लेक्चर को स्टार्ट कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कहीं भी कोई डाउट रह जाए पढ़ने के दौरान तो कमेंट बॉक्स में कमेंट प्यारा सा छोड़ दीजिएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। भाई लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमने डायग्राम पहले से बना के रखा है, जिससे कि आपको बेहतरीन तरीके से समझा सके। ध्यान समझिएगा, हम उसको जो है बगल से भी एक डायग्राम लेके चलेंगे, रफली आपको समझाते चलेंगे, बाद में आपको वहां समझा देंगे। भाई बायो सेवर्ट का नियम क्या था कि जब कोई क्या कहा गया कि अनंत लंबाई का कोई एक तार ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं ध्यान से समझिएगा, बायो सेवर्ट की नियम के लिए एक क्या करते हैं हम लोग, अनंत लंबाई का एक कोई तार ले लेते हैं जिसकी कोई लंबाई सीमित नहीं। अनंत लंबाई का कोई तार ले लिए, अब इस तार में क्या प्रवाहित कर देते हैं, आई धारा प्रवाहित कर देते हैं। क्या धारा प्रवाहित कर देते हैं, आई धारा प्रवाहित कर देते हैं। तो ओरेस्टेड ने बताया था कि यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो बातें आई कि इसके कारण जो धारा आई प्रवाहित हुई, तो इस तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, वो चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात किया जाए। तो उस चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए बायो सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने अपना ला दिया, अपना नियम दिया कि कैसे हम इस तार में जो आई धारा प्रवाहित किए हैं, इस धारा के बहने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसको ज्ञात करने के लिए बायो सेवर्ट ने एक ला दिया, एक नियम दिया, जिसे हम लोग बायो सेवर्ट नियम कहते हैं। उन्होंने क्या बताया कि इस अनंत लंबाई के तार का एक अल्पांश भाग ले लीजिए, ठीक, इस अल्पांश की लंबाई मान लेते हैं डेल्टा एल है। उन्होंने बताया इस तार के एक, आप अनंत लंबाई का जो आप तार लिए हो ना, उसमें एक अल्पांश ले लीजिए अर्थात डेल्टा एल ले लीजिए, ठीक। अब उससे आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या मान लीजिए, पी मान लीजिए। आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या मान लीजिए, पी मान लीजिए, जिसपे इसके कारण, इस अल्पांश के कारण, इस अल्पांश तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं ये अल्पांश के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, थीटा अंश का कोण बना रहा है। मान लेते हैं ये अल्पांश के साथ थीटा अंश का कोण बना रहा है, तो गाइज इसके कारण इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको ज्ञात करने के लिए, बायो सेवर्ट ने एक नियम दिया था, वो बायो सेवर्ट का नियम कहलाया। ध्यान समझिएगा, अब यही सेम टू सेम फिगर मैंने उधर बना के रखा, अब इसको मूव करते हैं जो हमने पहले से बनाया है, आइए उसको समझाते हैं। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या माना है, ए और बी कोई अनंत लंबाई का चालक है। ध्यान से, ए और बी कोई अनंत लंबाई का चालक है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, जिसमें आई धारा क्या हो रही, प्रवाहित हो रही है। इस ए बी तार का एक अल्पांश भाग को हमने ज्यादा ब्लैक करके दिखाया है, ज्यादा हाईलाइट है, जिससे आपको लगे कि ये अल्पांश है। तो अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल मान ली गई है। अब इस डेल्टा एल लंबाई के तार से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी मान लिए हैं, जिसपे हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो एक बात बताइए, अब ये अल्पांश है तो अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो भी अल्पांश ही होगा, छोटा सा मान होगा ना, तो वो छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र मान निकालेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, अब बायो सेवर्ट के नियम को हम लोग कैलकुलेट करने चल रहे हैं, एकदम सरल चीज है। ध्यान से,
अब ये जो डीबी है, सबसे पहली बात, ये जो डीबी है वो बहने वाली धारा आई के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। फिर से बता रहे हैं, ये जो डीबी है ये बहने वाली जो धारा है उस आई के अनुक्रमानुपाती होगा। तो सबसे पहली पॉइंट है जो ये डीबी है, वो जो डीबी है वो क्या होगा, धारा आई के समानुपाती होगा। अर्थात जितना उसमें करंट फ्लो होगा, उस चालक में जितना ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी उस धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। अर्थात धारा का मान बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का भी मान बढ़ जाएगा। फिर दूसरी बात क्या है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है जो डेल्टा बी है, वो अल्पांश के भी अनुक्रमानुपाती होगा। किसके अनुक्रमानुपाती होगा, अल्पांश के। अल्पांश कौन है, डेल्टा एल। अर्थात डीबी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, डेल्टा एल। समीकरण नंबर क्या हो गए, दो हो गए। आप समझिए जरा सा, हमने आपसे क्या कहा कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र डीबी है वो अल्पांश की लंबाई, अर्थात जितना लंबाई होगा उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, ठीक। उसके बाद आगे ध्यान समझिएगा, फिर उसके बाद क्या होता है, आगे ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका जो थीटा है, जो थीटा है उसके साइन के अनुक्रमानुपाती होगा। अर्थात डीबी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, थर्ड हो गया। बात समझा, अर्थात ये जो बनने वाला कोण थीटा है उस थीटा की जा के अनुक्रमानुपाती, अर्थात थीटा के साइन के अनुक्रमानुपाती होता। लास्ट बातें, ये जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी है वो जो बीच की दूरी है कि जहां जहां आपको ज्ञात करना, ध्यान से समझिएगा, जे इस अल्पांश के कारण जिस बिंदु पे आपको ज्ञात करना है उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात फिर से पुनः बता रहे हैं, यदि हम इस तार से जितनी दूरी पे रहेंगे उतना कम चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस तार से जितनी नजदीक पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे उतना ज्यादा होगा। तो अर्थात ये डीबी प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक बटे आर स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या आ गए, चार आ गए। बात समझे आप, अब हम समीकरण एक दो तीन और चार को मिला देते हैं, वो आपका बायोसेवर्ट ला जाएगा। तो अब क्या करेंगे, समीकरण एक दो तीन और चार से यहां लिखेंगे, समीकरण एक दो तीन व चार से, ठीक। इतनी बातें आप समझिएगा। अब यहां क्या हो जाएगा, ये सब डीबी है, डीबी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई डेल्टा एल मल्टीप्लाई साइन थीटा और बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक। ये बटे क्या आ गया, आर स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं, तो प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है म्यू जीरो अपान फोर पाई, और यहाँ लग गया आई, क्या आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे कितना हो गया, आर स्क्वायर। ये हो गए डीबी का मान। इस अल्पांश के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र था, उस अल्पांश के कारण जो पी पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके लिए व्यंजक होगा म्यू जीरो अपान फोर पाई आई डेल एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। आर क्या होता है, अल्पांश से बिंदु की दूरी जिस पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं, डेल एल क्या है, अल्पांश की लंबाई है, आई क्या है, बहने वाली धारा है, और साइन थीटा क्या है, थीटा जो है थीटा की ज्या है, ठीक। अब बात करते हैं आगे, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होता है, कुछ ऐसी टॉपिक जो कि विशेष तौर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसकी चर्चा करते हैं हम, ध्यान से समझिएगा। अब यहां बातें आती है म्यू जीरो क्या है, म्यू जीरो क्या है, तो म्यू जीरो की बात करें तो निर्वात की चुंबकशीलता है, क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। बात करें ये निर्वात की क्या है, चुंबकशीलता है। इतनी बातें आप ध्यान से समझिएगा। उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी होती है, म्यू जीरो का बटे फोर पाई का मान होता है 10^-7। अगर केवल कोई पूछे कि म्यू जीरो का मान कितना होता है, तो फोर पाई का गुणा इसी में कर दीजिए। तो आपका अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आ जाएगा कि म्यू जीरो का मान होता है 4π×10^-7। ये गाइज आप लोगों को याद होना चाहिए, ये न्यूमेरिकल के दौरान
आपको इन सब बातों को याद करके रखना होगा। म्यू जीरो का मान कितना होता है, 4π × 10⁻⁷, और म्यू जीरो अपान 4π का मान क्या होता है, 10⁻⁷। म्यू जीरो क्या होता है, निर्वात की चुंबकशीलता होती है। तो गाइज इस प्रकार आपके जो बायो सेवर्ट का नियम है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ बातें चर्चा कर लेते हैं, यदि कुछ स्थितियाँ लगा लेते हैं, विशेष स्थितियाँ क्या लगाते हैं। यदि यहाँ थीटा आपका 0 हो जाए, यदि थीटा आपका 90 हो जाए, तब क्या होगा, इस सब की स्थितियाँ लगा लेते हैं। आइए ध्यान से समझिएगा। अब स्पेशल केस या विशेष स्थितियाँ की बात करते हैं। क्या विशेष स्थिति, ध्यान से समझिएगा, विशेष स्थितियां क्या होती है। आपने बायो सेवर्ट का नियम निकाला, बायो सेवर्ट का नियम क्या था, बायो सेवर्ट का नियम था डीबी, क्या था, डीबी बराबर म्यू जीरो अपान 4π फिर आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान कितना था आर स्क्वायर, ये आपने निकाला था। अब यहाँ पहला केस क्या लिख रहे हैं, केस वन की बात करते हैं। केस वन की बात क्या करते हैं, यदि थीटा क्या हो जाए, यदि थीटा 0 अंश हो जाए, यदि थीटा क्या हो 0 हो तो डीबी क्या होगा, तो डीबी क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, यदि थीटा आपका 0 हो जाए तो डीबी क्या होगा। तो यहाँ डीबी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू जीरो अपान 4π फिर यहाँ आई डेल्टा एल साइन थीटा, यहाँ साइन क्या रख देंगे 0, तो साइन 0 अंश का मान आपको पता होना चाहिए गाइस, क्योंकि साइन 0 अंश का मान क्या होता है 0 होता है, साइन 0 अंश का मान क्या होता है 0 होता है, तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, तो डीबी बराबर क्या हो जाएगा 0। अर्थात आप कुछ समझे, यदि यहाँ पर जो थीटा है उसकी वैल्यू 0 हो जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब हम लोग केस नंबर दो की बात करते हैं। यदि थीटा क्या हो जाए 90 हो जाए, यदि थीटा क्या हो जाए 90 अंश हो तो क्या होगा डीबी, तो डीबी क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। फिर डीबी के लिए क्या लगाएंगे, डीबी बराबर आ जाएगा म्यू नॉट अपान 4π आई फिर डेल्टा एल साइन थीटा, तो थीटा के स्थान पे साइन 90 बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो क्या मिल गया डीबी बराबर म्यू नॉट अपान 4π फिर यहाँ आगे आई डेल्टा एल बटे आर स्क्वायर। तो गाइज इस प्रकार आप यहाँ डीबी का भी मान निकाल सकते हैं, जब थीटा 90 होगा तो डीबी जो है आपका वो मैक्सिमम होगा, क्या होगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और जब थीटा 0 होगा तब आपका डीबी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये स्पेशल केसेस थे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं, म्यू जीरो का मात्रक निकालेंगे, म्यू जीरो का विमा। और गाइस ध्यान से समझिएगा, यहाँ से आपका एक नंबर का प्रश्न जरूर बनता है कि म्यू जीरो का मात्रक या म्यू जीरो की विमा क्या होती है, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए म्यू जीरो का मात्रक, इसे चुंबकशीलता भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। म्यू जीरो का मात्रक व विमा दोनों की चर्चा करेंगे। चलिए मात्रक व बीमा, तो सबसे पहले हम लोग मात्रक निकालते हैं। तो मात्रक निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, हमारे पास ये फार्मूला है, क्या यहाँ से ध्यान से समझिएगा, हमारे पास क्या है बायोसेट का नियम, डीबी बराबर कितना है म्यू नॉट अपान कितना है 4π, फिर उसके बाद ये दिखेगा ये आई डेल्टा एल बटे कितना है आर स्क्वायर, क्योंकि वो थीटा आपका 90 हो चुका है तो कहानी खत्म हो चुकी, इतनी बची है आपके पास। ध्यान दीजिएगा, इस 4π की कोई मात्रक नहीं होने वाला, इस 4π का कोई मात्रक नहीं होगा, लिख देंगे 4π एक मात्रकहीन है, क्या है एक मात्रकहीन है। क्यों मात्रकहीन है, क्योंकि ये एक प्रकार की संख्या है, ठीक, तो इसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो हमारे पास मिल गया डीबी बराबर म्यू जीरो आई डेल्टा एल बटे आर स्क्वायर। अब म्यू जीरो चाहिए मुझे, तो ये इधर गुणा हो जाएगा, तो इधर ध्यान से समझिएगा, अगर बटे एक कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो म्यू जीरो आई डेल्टा एल आ जाएगा बराबर डी बी आर स्क्वायर। मैं पूरा गाइज पूरा विस्तार से आपको समझा रहे हैं, कहीं भी एक पॉइंट भी शॉर्ट नहीं कर रहे हैं। अब आई डेल्टा एल कर देते हैं, तो म्यू जीरो बराबर डी बी आर स्क्वायर
और बटी कितना होता है ध्यान से समझिएगा, बटी हो गए आई, क्या आई डेल्टा एल हो गए, ठीक। ये इतनी बातें आपको समझ में आई, आई डेल्टा एल हो गए। अब आप ध्यान से समझिएगा, अब हम मान रखते हैं क्या करते हैं, डीबी क्या है, डीबी वहां चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, तो हम लोग रखते हैं। तो गाइस आइए हम लोग देखते हैं, इसको हल करते हैं। यहां से मुझे म्यू जीरो का मात्रक निकालना है, किसका निकालना है, म्यू नॉट या म्यू जीरो का लिया जाए, तो इन पक्ष को इधर कर देते हैं, तो क्या बचा म्यू नॉट बराबर डीबी आर स्क्वायर बटे कितना है आई डेल्टा एल है। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग यहाँ डीबी का मान रखते हैं, जो ये डीबी है वो होता है एफ बटे आई इंटू एल, आई इंटू एल होता है। तो यहाँ से ध्यान से समझिएगा, अब डीबी तो इसका मात्रक रखते हैं, एफ का मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और आई का मात्रक होता है एम्पियर, और एल का मात्रक होता है मीटर, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो गए। तो डीबी का मात्रक हो गया न्यूटन, ध्यान से समझिएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और ये आर है, ये आर है दूरी, तो दूरी के लिए क्या हो जाएगा गाइज, ध्यान से समझिएगा गाइज, आप थोड़ा सा हम लोग इसको ऐसे करते हैं, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, आपको आसान रहेगा। और आर, आर क्या है दूरी है, तो दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर, इसका पूरे के बटी क्या है आई, आई का मात्रक होता है एम्पियर, और यहाँ डेल्टा एल का मात्रक क्या होता है मीटर होता है, डेल्टा एल एक दूरी है, तो दूरी का मात्रक मीटर हो गए। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये एक मीटर से कैंसिल हो जाएगा, ये एक मीटर से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान से अब ये सारी चीज आपके यहाँ पहुँच जाएंगे, तो न्यूटन मीटर है, और नीचे क्या हो गए एम्पियर, एम्पियर एम्पियर स्क्वायर हो गए, और ये मीटर आ गए, ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो ये म्यू जीरो का मात्रक आ गए, म्यू जीरो का मात्रक क्या आ गया न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, अथवा इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं वेबर प्रति एम्पियर मीटर, अथवा इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अथवा लिखा जा सकता है वेबर प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति क्या होता है एम्पियर मीटर, ठीक, ये भी आप लिख सकते हो। तो ये रही इसकी मात्रक, ध्यान से समझिएगा, आपने इसको हल किया तो आपको यहाँ से म्यू जीरो बराबर एक इक्वेशन प्राप्त हुआ, इसी इक्वेशन से म्यू जीरो का मात्रक निकाला गया है, क्या मिला डी बी आर स्क्वायर बटे आई डेल्टा एल। इस डी बी की मात्रक हम लोगों ने इस फॉर्मूले से निकाल लिया है, डी बी बराबर एफ बटे आई एल, यहाँ से न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर मिला, इस प्रकार हम लोगों ने इसका मात्रक निकाल लिया। गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से एक नंबर का प्रश्न बनना ही बनना है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा और ध्यान से लगाइएगा, मैंने फुल टू फुल विस्तार से बताया, कहीं ना कहीं एक कोई भी टॉपिक मैंने शॉर्ट नहीं किया है गाइज, तो आपको जरूर समझ में आना चाहिए, कहीं भी अब भी डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं इसकी बीमा की, किसकी बीमा की म्यू नॉट की बीमा की, तो इधर के टॉपिक में अब हम लोग किसकी चर्चा करेंगे म्यू नॉट की बीमा की, तो चलिए म्यू नॉट की बीमा, तो आइए हम लोग यहीं से निकाल लेते हैं आसानी से म्यू नॉट की बीमा क्या। देखो न्यूटन है, तो न्यूटन किसका मात्रक होता है बल का, तो बल की बीमा लगा देंगे, इसके लिए क्या लगाएंगे एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू, ये बल की बीमा हो गई, बटे एम्पियर स्क्वायर है, तो एम्पियर के लिए तो जो धारा होती है, धारा के लिए तो बीमा आपकी ए ही होती है, तो आप क्या लगा दोगे बटे ए के पावर टू हो जाएगा। अब ये ऊपर लेके चले जाइए तो आपका आ जाएगा यम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू, ये ऊपर चले गए तो ए के पावर माइनस टू, इस प्रकार जो म्यू जीरो की बीमा थी वो भी आपकी आ गई, क्या आ गई ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा गाइस, हम लोग फिर से देखते हैं, यहां से देखते हैं, आइए ये म्यू जीरो की बीमा है, तो म्यू जीरो की बीमा हो जाएगी बल की बीमा, न्यूटन है तो यानी बल की बीमा, तो बल की बीमा होती है एम एल टी पावर माइनस टू होता है, और आवेश सॉरी आवेश नहीं है बल्कि एम्पियर है, तो एम्पियर मतलब धारा, तो धारा की बीमा तो ए ही होती है, तो यहाँ ए के पावर कितना हो जाएगा ए के पावर टू हो जाएगा। ये चीज़ ऊपर लेके चले जाएंगे तो एम एल टी पावर माइनस टू और ए के पावर कितना हो गया माइनस टू, इस प्रकार ये म्यू जीरो की क्या निकल के आ गई बीमा निकल के आ गई। तो गाइस बीमा और मात्रक ध्यान से समझना है, और कई बार ये चीज पूछा गया है कि म्यू जीरो का मात्रक क्या होता है।
यदि बात करें आपसे गाइज, यदि हम बात करें कि यमकेयस पद्धति में म्यू नॉट का मात्रक क्या होता है, ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। हर एक क्वेश्चन, हर एक 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 नंबर का यहाँ से कई बार प्रश्न बनता है एक एक करके, तो इसीलिए हम हर एक की चर्चा कर लेते हैं। यमकेयस पद्धति में, यमकेयस पद्धति में म्यू नॉट का मात्रक, किसका मात्रक? म्यू नॉट का मात्रक, चलें चर्चा करें। तो क्या था, ध्यान से समझिएगा, म्यू नॉट बराबर, ये जो न्यूटन आया है, न्यूटन को एमकेएस पद्धति में बदलना है। तो न्यूटन को एमकेएस पद्धति में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं गाइज, इसको बदल देते, इसको बदलेंगे किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। तो न्यूटन को लिख देंगे किग्रा मीटर प्रति सेकेंड, और एम्पियर आपका था ही, तो ये आगे एम्पियर स्क्वायर। तो इस प्रकार आप एमकेएस पद्धति में इसकी बीमा निकाल सकते हैं। तो ये म्यू जीरो का, ये क्या है, केजी मीटर प्रति सेकेंड बटे क्या हो गया, एम्पियर स्क्वायर। तो इस प्रकार गाइज आप इसको आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो आप ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे, हर एक फैक्ट को आप अच्छे तरीके से समझिएगा, हर एक फैक्ट आपके बायो सिविल क्लास से मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ये सब आपको पेपर में, आपको कंपटीशन के दौरान कई बार इन सब की चीज़ें पूछ ली जाती गाइस, और जो कि आदमी या आप लोग जो है छोटे से होने की वजह से इनको छोड़ देते हैं। तो ऐसी भूल कभी मत करना, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे की तरफ क्लास को कंटिन्यू किया जाता है। मोस्ट 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 एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, बात कर लिया जाए, हर साल पूछा जाने वाला, 5 स्टार रेटिंग देने वाला ये टॉपिक है कि आइए देखते हैं क्या है। तो गाइस चलिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। हमने पढ़ा है कि म्यू नॉट बराबर होता है 4π × 10⁻⁷। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिएगा। फिर हमने पढ़ा है कि 1/4π ε₀ बराबर होता है 9×10⁹, ठीक। अब मुझे यहाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैसे मिलेगी, आपको सबसे पहले तो इनको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, इन सबको ऊपर ले जाइए, तो ये 4π ε₀ हो गए, वो बटे वो ऊपर गए तो ये कहाँ आ जाएंगे, नीचे 9×10⁻⁷ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। अब हमने आपसे क्या कहा, मुझे केवल के केवल एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए, तो ये बटे में आ जाएंगे, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट बराबर आ जाएगा 1/4π × 9×10⁻⁷ कितने हो गए, 9। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। समीकरण नंबर क्या बना लिए, 2। अब समीकरण 1 और 2 का गुणा कर दे, इन दोनों में संबंध निकल के आ जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर, ध्यान से समझिएगा, क्या करने पर, गुणा करने पर। तो गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई कर दिए बराबर, इनका क्या है, एक पक्ष 4π × 10⁻⁷ है, और इसका क्या है, 1/4π × 9×10⁻⁷ है, ध्यान से समझिएगा। अब क्या होता है, अब ध्यान से, ये 4π की वैल्यू 4π से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अच्छे तरीके से आप ध्यान से समझिएगा। अब हमने क्या कहा, यदि हम इनको क्या करते हैं कि यदि हम इनको नीचे की तरफ लाते हैं, ये जो पावर है, ये पावर को नीचे ले जाते हैं, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1/9×10⁻⁹, ये नीचे गए तो क्या हो गए, 10⁻⁷ प्लस में हो गए, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। 1/9×, अब यहाँ 9 × 7 क्या हो गए, 16, 10⁻⁶ हो गए, ध्यान से समझिएगा। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, 1/9 × 3 लिख दे, गुड़े इसे 10⁸ का होल स्क्वायर, ध्यान से समझिए, 8 × 2 = 16, 10⁻⁶, 3 का वर्ग कर दोगे 9, अर्थात मैंने इसको इस रूप में लिख दिया, ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब आपके पास क्या इक्वेशन मिला, आपको मिला म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना है, 1/3×10⁸ का होल स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए, ये किसका मान है, ये सी का मान है, आप जानते हैं सी बराबर होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये प्रकाश की चाल होती है, तो यहाँ हम सी रख सकते हैं,
म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आ जाएगा, एक बटे सी स्क्वायर। यदि हमने यहाँ से क्या किया कि इधर इसको ऊपर लेके जाए तो ये आपके बटे में आ जाएंगे, इसको ऊपर लेके जाए तो ये बटे में आ जाएंगे, तो एक बटे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो गया सी स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर कर्ली लग जाएगा, एक बटे कर्ली में आ जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना सी। अर्थात इन दोनों में संबंध ये है, ये निकल के आ जो इन दोनों में संबंध था म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना मिल गया सी मिल गया गाइज। तो इस प्रकार इस सी की वैल्यू इसके बराबर होता है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं आपके, एक नंबर के प्रश्न कितने बनते हैं। कभी कभी बोर्ड पेपर में पूछा जाता है कि आप इसका जो है मान क्या लिए, एक बटे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान, तो आप ध्यान दीजिए इसका मान हो जाएगा 9 × 3 × 10^8, क्योंकि इससे सी की वैल्यू के बराबर है। फिर उसके बाद कभी कभी पूछ लेता है कि आप जो है इसका मान बता, इनमें संबंध क्या होता है, आप इस प्रकार बता सकते हैं। तो गाइज यहाँ से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड में बनते थे, बोर्ड की क्या बात करें, आगे जो भी कॉम्पिटिशनल लेवल वाले क्वेश्चन बनते थे, सारे क्वेश्चन को हमने इस लेक्चर में बता दिए हैं। अगर कहीं भी कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर डाउट क्लियर हो गए होंगे तो प्यारे से कमेंट में आप एक वर्ड जरूर प्रयोग कीजिएगा कि मक्खन जैसा क्लियर हो गया है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए, और उन दोस्तों के पास वीडियो पहुँचाइए जिनको लगता है कि फिजिक्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट होता है, जैसे आप एंजॉय कर रहे हैं वैसे उनके पास भी वीडियो पहुंचना चाहिए। तो आपके लिए जो है आज के लेक्चर में बस इतना ही बात करते हैं, अगली टॉपिक और बेहतरीन रहने वाली है। अगली टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे जो है चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है उसकी दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ उसका परिमाण तो हमने निकाल लिया बायोसेवर्ट के नियम से, अब दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, दिशा ज्ञात करने के लिए आप लोग अगले लेक्चर में सभी लोग अपना प्यार जरूर दीजिएगा और आके देखिएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद ऑल डियर स्टूडेंट।